अपने समाज की प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन आगरा द्वारा 9 अक्टूबर रविवार को सुरसदन में विभिन्न क्षेत्रों की 500 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता एवं पोस्टर विमोचन का आयोजन भगवान टॉकीज स्थित आशादीप होटल में किया गया। हम लोग लोधी समाज के जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके सम्मान के लिए 9 अक्टूबर 2022 को सुरसदन में एक सम्मान समारोह कर रहे हैं प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में, जिससे कि उन लोगों को आगे पढ़ने के लिए हम लोग गाइड कर सकें कि आगे भविष्य में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, हम उनको जो चिंतनशील व्यक्तित्व हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग जिस तरह से अपनी तैयारी करके समाज में इस पद तक आए हैं, आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़िए, तैयारी करिए, हम उनको गाइड करेंगे प्रॉपर। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं हम उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। जो भी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं 75% से अधिक अंक प्राप्त करके आए हैं उनको, प्लस जो IIT में सेलेक्ट हुए हैं, जो नीट में सेलेक्ट हुए हैं, क्लैट में सेलेक्ट हुए हैं अथवा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 500 से अधिक छात्र हैं जो हाई स्कूल इंटर या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं, उनको हम लोग 9 तारीख को न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि आगे के करियर के लिए गाइडेंस भी देंगे। ये वर्ष 2014 से हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 700-800 लोगों को हम लोग सम्मानित कर चुके हैं और लगभग 100 लोगों को हम आर्थिक रूप से मदद दे चुके हैं। ये हम लोग हर साल, मोस्टली अभी कोविड में ब्रेक रहा, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं बड़ा सा। उस प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी बच्चे अपने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, और साथ ही जो अच्छी सेवाओं में आए होते हैं उनको एक एज ए एग्जाम्पल पेश करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि जो बच्चे और वहाँ पे आएंगे वो ये समझें कि हम ऐसा बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। और कुछ प्रोफेशनल्स IAS BCS लोगों से हम उनसे कुछ ऐसा गाइडेंस भी दिलवाते हैं, जैसे वो किस प्रकार परीक्षाओं में पास हुए, किस प्रकार बच्चों को वो बताएँ कि वो जिस पद पर पहुँचें वहाँ तक उन्हें पहुँचने में क्या क्या करना होगा।